हाय दोस्तों, मैं देव आप सभी का माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज अपने एक बहुत खतरनाक वाली ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप नेदरराइट अनलिमिटेड ले सकते हो। अनलिमिटेड नेदरराइट, जो नया इंगट आया था ना नेदर में, तो उसको आप अनलिमिटेड ले सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक करनी पड़ेगी, तो पहले वीडियो को पूरी देखना, अच्छे लगे लाइक करना और छोटा सा क्रिएटिव मोड ऑन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो पूरी वीडियो देख के फिर आप बताना कैसी लगी है। तो बिना टाइम पास के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बेस बनाना पड़ेगा। आप कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, कोई भी। ऐसा नहीं है कि मैं क्वार्ट्स यूज कर रहा हूँ तो आप भी क्वार्ट्स यूज़ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई से भी ब्लॉक यूज़ कर लेना। और थोड़ा सा यहाँ पे 5x4 का ब्लॉक बनाना है, मतलब एक बेस बनाना है। तो वैसे 5 लगाना है और ऐसे 4 लगाना है, तो 5x4 का ब्लॉक लगाना है। और फिर मेरे को अभी यहाँ पे सीढ़ियाँ चाहिए होंगी, तो मैं इसी की बना लेता हूँ ना, इसी की सीढ़ियाँ बना लेता हूँ। तो ये बना दे, स्टेयर बना लेता हूँ। तो थोड़ी बहुत स्टेयर चाहिए होंगी क्योंकि डिज़ाइन के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेयर लगानी ज़रूरी है, अगर आपका मन हो डिज़ाइन देने का तो ऐसा कुछ डिज़ाइन दे सकते हो। इसको हटाओ और यहाँ पे लगाओ। ये क्वार्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो भी ब्लॉक लगाना चाहो, स्टोन के बनाना चाहो स्टोन को बना लेना। और फिर क्या करना है, इसको कब फिल कर देना है यहाँ पे, तो इसको फिल कर देना है, फिर इसको भी फिल कर देना है। तो ऐसा कुछ बनाना है। देखो पूरी स्ट्रक्चर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छी लगे लाइक करना। और यहाँ पे एक लीवर लगा देना, लीवर भी बताऊँगा, दो लीवर लगेंगे बट एक ही लीवर बता रहा हूँ मैं भी आपको मैं। और ये ट्रिक मोबाइल के लिए थी बट मैंने इसको पीसी के लिए भी बना दी है, तो ये ट्रिक दोनों में काम करेगी। तो कुछ नहीं, अब यहाँ पे ग्लास लगा देना। मैंने जो वीडियो देखी थी वो मोबाइल के लिए थी, तो मैं अब आपको पीसी के लिए बता रहा हूँ। तो पीसी के लिए भी है और मोबाइल के लिए बताऊँगा, दोनों कोड बताऊँगा। तो इसके अंदर कोड लगेंगे तो वो कोड भी आपको बताऊँगा। पूरी वीडियो देखना तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे वो ऊपर ग्लास लगा दिया है, और अब थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे क्वार्ट्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगा देना है क्वार्ट्स और इनको फिल कर देना है। तो नॉर्मल सा जैसे मैं बना रहा हूँ वैसा स्ट्रक्चर बनाना। और इसके स्ट्रक्चर के बाद में जो मेन है ना, अब बनेगा, मतलब मेन चीज़ जो अपन को बनानी है वो अब बनेगी। तो अब वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ये नॉर्मल सा बन के तैयार है, तो यहाँ पे दो ब्लॉक नीचे का ब्लॉक निकाल देना है, मतलब दो लेयर नीचे तक इसको खाली कर देना है। और इधर से उस लीवर तक खाली कर लेना है, क्योंकि यहाँ से रेडस्टोन से कनेक्ट करना पड़ेगा लीवर को। तो यहाँ पे रेडस्टोन से कनेक्ट करना पड़ेगा। और अब अगर आप दोनों तरफ लगाना चाहो लीवर, तो दोनों तरफ लगा सकते हो, बट मैं अभी एक ही तरफ लगाने वाला हूँ। तो नॉर्मल से आप कुछ नहीं करना है। तो इसको एक बार फिल कर देता हूँ यहाँ से, बेफालतू की चीज़ें मैंने निकाल दी यहाँ से। तो यहाँ पे लगा दो स्टेयर, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन को कमांड ब्लॉक मंगाना पड़ेगा। कमांड ब्लॉक मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है, पीसी के लिए भी अवेलेबल है, मतलब दोनों में आ सकते हैं। उसके लिए कमांड देनी पड़ती है। वो कमांड पीसी के लिए तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और मोबाइल वाले के लिए मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे ऊपर लिखा होगा मोबाइल कमांड और पीसी कमांड, दोनों के लिखा होगा। तो आप जाके लिख देना या कॉपी पेस्ट कर लेना। तो ये मोबाइल पीसी वाली देख लो अभी। तो पीसी में कमांड ब्लॉक कैसे मंगाते हैं वे पूरी देख लो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। give@pminecraft ये डबल डॉट और कमांड ब्लॉक, तो ऐसा आता है। और मोबाइल वाला का मुझे पता नहीं, बट मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा मोबाइल में कैसे कमांड ब्लॉक मंगाते हैं। तो अब आपको छोटा सा एक क्रिएटिव मोड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि कमांड ब्लॉक लगाने के लिए आपको क्रिएटिव मोड ऑन करना पड़ता है, अदर आप इसे रिप्लेस नहीं कर पाते हो, मतलब कहीं भी लगा नहीं सकते। तो इसमें कमांड देने के लिए और इसको लगाने के लिए आपको क्रिएटिव मोड ऑन करना ही पड़ेगा। तो एक बार 2 मिनट के लिए क्रिएटिव मोड ऑन कर लेते हैं, इसको कमांड देने के लिए और कमांड मतलब इसको लगाने के लिए। तो ये नॉर्मल से मैंने क्रिएटिव मोड ऑन कर लिया है, तो अब आप इसे लगा सकते हो। आप दोनों तरफ भी लगा सकते हो, बट मैं लगा देता हूँ। और ये मोबाइल और पीसी दोनों के लिए आपको मैं कमांड प्रोवाइड कराऊंगा। तो ऐसे मैं सोचना कि आप पीसी वालों के लिए दे रहे हो, मैं मोबाइल वालों के लिए भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप कुछ मत करना टेंशन। और इनको आप रेडस्टोन से कनेक्ट कर देना, जो लीवर लगाए थे उनको, अब ये रेडस्टोन से कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब इनमें कमांड देनी है। तो कमांड देने से पहले मैं पूरा बेस फिल कर देता हूँ। तो फिल करने के लिए यहाँ पर मेरे को चेस्टें लगानी पड़ेंगी। तो एक बार तो मैं क्रिएटिव में रहता हूँ, बाद में ऑन कर दूँगा, मतलब सर्वाइवल। तो एक बार क्रिएटिव में ही रहते हैं, बाद में देखेंगे। तो इसको फिल कर दिया है मैंने, रेडस्टोन से कनेक्ट कर दिया लीवर को। और यहाँ पे लगानी है चेस्ट है। तो चेस्ट ले लेता हूँ, चेस्ट कहाँ पे गई, ये रही। तो इस कमांड ब्लॉक के ऊपर होगी चेस्ट है, और चेस्ट यहाँ लग जा भाई। तो ये चेस्ट लग दिया। अब इस चेस्ट के ऊपर लगेगा दो होपर, तो ये दो होपर लगा दिए हैं। तो
तो ये नॉर्मल से मैंने कर दिया, अब इनको कमांड देनी है। मैं एक को ही देख के दिखाऊंगा, दोनों आप देना चाहो तो दोनों में कमांड दे सकते हो, बट एक में ही बहुत है, तो कमांड देख लेना। तो आपको मोबाइल के लिए भी प्रोवाइड है, पीसी के लिए भी प्रोवाइड है, तो दोनों के लिए मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें लिखना है स्टोन ब्लॉक सेट ब्लॉक स्लेट ब्लॉक, ये एरो के निशान था ना, हाँ ऐसे जो लहराता हुआ एरो है ना, ऐसा इसका नाम मुझे नहीं पता क्या नाम है। तो एक एरो स्पेस देके दोबारा फिर फाइव लिखना था ना, मेरे को कंफर्म नहीं पता, बस आप देख लेना ये काम करेगा। फाइव और बाद में क्या था, एक एरो और फिर लिखना था माइनक्राफ्ट लिखना था या डिस्ट्रॉय ऐसे कुछ लिखना था, आई डोंट नो, मैं आपको बता दूंगा पूरा कंफर्म। तो कंफर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो भी कमांड है। ये मोबाइल और पीसी के लिए दोनों के अलग अलग है, मतलब एक डिफरेंस है, बस एक जीरो लगाना है। तो मोबाइल के लिए जीरो लगाना है और मतलब ऐसे ये लगाना है। तो ये पूरी कमांड आप देख लो, स्क्रीन पे शो हो रही है, और नहीं दिख रही है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको कर देना। तो इसको कर देना एम्प्लॉय, ऐसे कुछ करना था ना, आई डोंट नो, इसको ऑन किया बट एक काम नहीं कर रहा। कमांड तो दे दी मैंने इसको, बट शायद मैंने कुछ गलती की है, एस लगा दिया, एस को हटा और फिर इसको इम्पल कर देते हैं, इम्पल। यार इसमें मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो, मैं गलती क्या कर रहा हूँ। कमांड तो यही थी, आप नीचे देख लेना और वीडियो पूरी देखना, आपको समझ आ जाएगी। बट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसकी कमांड कैसे काम करती है। तो इसमें कमांड में जाना है और इस एस को उठाना है और रिपीट कर देना है, एस को उठाकर और फिर रिपीट करना है, और रिपीट पे रहने देना, रिपीट मतलब बार 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 बार, तो वो ब्लॉक आते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो एक बार मेरे को कंफर्म नहीं पता है तो देख लेता हूँ, ऐसे हटा दिया है, रिपीट पे है और डन कर दूँ तो मैं शायद डन कर दिया, तो कुछ नहीं, रिपीट पे कर देना। और ऐसे ही पीसी में भी आएगा और मोबाइल में भी, दोनों में सेम ही प्रोसेस है, तो आप टेंशन मत करो, दोनों में सेम प्रोसेस है। तो आप जैसे मैंने बताया वैसे ही करना, और देखो नेदर राइट आ रही ना, अनलिमिटेड नेदर राइट, और अब आप सर्वाइवल में आ सकते हो, क्योंकि कमांड ब्लॉक में आप कमांड नहीं दे सकते जब तक आप क्रिएटिव मोड में नहीं आते। तो यही इसकी थोड़ी सी वीकनेस है कि कमांड ब्लॉक ऐसे नहीं होते हैं। तो इस पे रिपीट पे कर देना, आप जो भी करना चाहो देख लेना, इनको सेटिंग को थोड़ा बहुत छेड़ के देख लेना, और ये बंद भी नहीं हो रहा है पता नहीं अब। तो ये ऐसे काम करता है, और ये नेदर रैक आपकी अनलिमिटेड आने लग जाएगी, और आप इसे सर्वाइवल में खेल सकते हो। और ये सर्वाइवल में है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ आप डिफरेंट करना चाहते हो मतलब माइनक्राफ्ट में, तो आप ऐसा कर सकते हो, इनकी फार्म बना सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डायमंड के लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप डायमंड अनलिमिटेड ले सकते हो कमांड ब्लॉक से। तो वीडियो को अभी लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, अगर आपको ऐसे नई नई चीज़ें चाहिए हो तो अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी है। और ये कमांड मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऊपर टॉप में ही लिखी रहोगी, मोबाइल और पीसी दोनों के लिए अलग अलग, और कमांड ब्लॉक कैसे बनाते हैं पूरी डिटेल से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ढूंढ सकते हो, ढूंढ कर फिर लगा लेना। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, जो भी मेरी तरफ से हो सके मैं सारी हेल्प कर दूंगा। और देखो अनलिमिटेड मिल रहा है मेरे को, अनलिमिटेड। ये बंद करने के लिए आपको बस इसको तोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बंद नहीं होने वाला है जब तक ये कमांड चालू है, कमांड ब्लॉक है जब तक, तो ये काम करने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस बेस को थोड़ा आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो, मतलब जैसा भी आप इसका शेप देना चाहो। तो अब अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना है, चैनल को सपोर्ट दिखाना। तो अब वीडियो को इतनी रखते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं खींचते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और लीवर से भी बंद नहीं हो रहा है पता नहीं, आई डोंट नो। देखो इसके अंदर बहुत सारी आ चुकी हैं, लिटरली अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, और ये कभी भी बंद नहीं होने वाला जब तक आप कमांड ब्लॉक को बंद नहीं कर देते। तो ये एक ट्रिक थी छोटी सी, मैंने आपकी हेल्प कर दिया, आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टाटा सी यू, बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।